गुड मॉर्निंग फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स आपके जो है हम लोग जो है कर रहे हैं पेपर वन का यूनिट वन और इसमें जो है आप देख रहे हैं कि टॉपिक चल रहा है आपके वित्तीय भिन्ने यानी कि कंटिन्यूड फ्रैक्शन। ठीक है, तो कंटिन्यूड फ्रैक्शन का जो है मैं क्वेश्चन कर रही हूँ जिसमें जो है मुझे क्या करना है कि यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ पे प्रूव करना है कि अगर दो जो है एक वित्तीय भिन्न जो है दी हुई यानी कंटिन्यूड फ्रैक्शन दिए हुए हैं तो उनके बीच में जो है रिलेशन जो है वो मुझे यहाँ पे प्रूव करना है। तो क्वेश्चन ये है, कहते हैं कि इफ यानी कि यदि x इज इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c प्लस एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटिव एंड y इज इक्वल टू 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन c प्लस b प्लस a प्लस और ये c प्लस एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटिव। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है तो कहते हैं कि देन प्रूव दैट, तो सिद्ध कीजिए, देन प्रूव दैट x माइनस y इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन 1 प्लस ए बी। ठीक है, ये मुझे प्रूव कर रहा है यानी कि इन दो जो है कंटिन्यूड फ्रैक्शन कहूं या वित्तीय भिन्न का जो अंतर यानी इनका डिफरेंस जो है वो क्या होना चाहिए, b माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए बी। आप देख रहे हैं कि ये रिकरिंग है यानी कि आवर्ती है और अनंत तक जाती है। तो यहाँ पे जो है तीन पद है, उसके बाद फिर से जो है ये एबीसी से स्टार्ट होती है, फिर से वो एबीसी एबीसी होगा। तो उसमें से अगर एक ये निकाल दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसको जो है दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, जो भी आपके कंटिन्यूड फ्रैक्शन दिए हुए इनको हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, एक्स इज इक्वल टू क्या था, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटिव। तो दिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी प्लस और सी प्लस के बाद सीधा फिर से ए बी सी से स्टार्ट होता है तो ये आ जाएगा x, अगेन x। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 1 अपॉन यहाँ पे a प्लस और ऊपर आ जाएगा ये c प्लस x और यहाँ पे हो जाएगा ये bc प्लस bx प्लस 1। ठीक है, bc प्लस bx प्लस 1, इसको जो है अगेन इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू ये हो जाएगा bc प्लस bx प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा ए बी सी और फिर ए बी एक्स प्लस ए। ठीक है, प्लस ए प्लस सी प्लस एक्स, इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई यानी एक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा आपके ए बी सी इंटू एक्स, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी एक्स और प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी प्लस बी एक्स प्लस 1। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स के टर्म्स को जो है साथ में ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर के टर्म को लेते हैं तो ए बी प्लस 1 का ये स्क्वायर, ए बी प्लस 1 सॉरी ए बी प्लस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर और जो है यहाँ पे एक्स भी कॉमन ले लेते हैं, पहले ए बी सी में से निकलेगा, फिर ए है, फिर C है और अगर B को इस तरफ लेके आते हैं तो ये B भी है, तो इनमें से ये कॉमन आ गया और क्या हो जाएगा, माइनस बी सी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ हम लोग सॉल्व करेंगे y, y क्या है, 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी प्लस एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटिव। देयरफॉर y इज इक्वल टू 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी प्लस क्या हो जाएगा y। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग।
इसको सिंप्लीफाई करते हैं, y इज इक्वल टू सबसे पहले 1 अपॉन ये b प्लस c प्लस y जो है ये ऊपर आ जाएगा और ये होगा आपके ए सी प्लस ए वाई प्लस 1। ठीक है, फिर से इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा ए सी प्लस ए वाई प्लस 1 जो है यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा और ये रहेगा ए बी सी प्लस ए बी वाई प्लस बी प्लस सी प्लस वाई। फिर जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये होगा ए बी सी वाई ए बी वाई स्क्वायर बी वाई सी वाई प्लस वाई स्क्वायर और माइनस ए सी सॉरी इक्वल टू ए सी प्लस ए वाई प्लस 1। ठीक है, इसमें से जो है वाई स्क्वायर के टर्म जो है जो वाई स्क्वायर वाले टर्म्स है उनको एक साथ ले लेते हैं तो ए बी प्लस 1 वाई स्क्वायर और ये होगा ए बी सी प्लस बी प्लस सी और माइनस ए वाई और माइनस ए सी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्या करेंगे 1 माइनस 2 कर लेते हैं। ठीक है, 1 माइनस 2 कर लेते हैं तो देखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में से जो है ए बी प्लस 1 जो है वो कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो चलिए मैं यहाँ पे जो है ये सारे टर्म्स जो है वो लिखती हूँ। करेंगे 1 माइनस 2 इम्प्लाइज ए बी प्लस 1 स्क्वायर जो है स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर जो है यहाँ पे क्या है देखेंगे कि ये ए बी सी प्लस बी प्लस सी माइनस ए वाई और यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ ए बी सी प्लस ए प्लस सी माइनस बी और यहाँ पे आ जाएगा पहले मुझे एक्स लिखना है ए प्लस सी माइनस बी एक्स और यहाँ पे जो है ये आ जाएगा प्लस बी प्लस सी माइनस ए वाई माइनस वन जो है कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये होगा माइनस बी सी और ये प्लस ए सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ए बी प्लस 1 ये होगा x माइनस वाई और x प्लस वाई ए बी सी जो है वो कॉमन आ जाएगा और ये होगा x माइनस वाई। फिर जो है a के लिए देखते हैं यहाँ पे जो है a x और ये है माइनस ए वाई तो जो है यहाँ पे a जो है कॉमन आ जाएगा और x प्लस वाई होगा। फिर चलिए b के लिए देखते हैं माइनस बी एक्स और यहाँ पे माइनस बी वाई माइनस बी कॉमन आ जाएगा और ये होगा x प्लस वाई। ठीक है, फिर जो है c के लिए देखते हैं सी एक्स और यहाँ पे क्या है माइनस सी वाई तो ये जो है यहाँ पे जो है c कॉमन आ जाएगा और ये होगा x माइनस वाई। ठीक है, ये हो जाएगा x माइनस वाई और यहां से जो है c कॉमन आ जाएगा माइनस c को कॉमन ले लेते हैं माइनस c को अगर सॉरी प्लस c को ही कॉमन लेते हैं प्लस c को तो a माइनस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इनमें से जो है हम लोग एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है x प्लस वाई जो है वो कॉमन ले लिया रिमेनिंग यहाँ पे बचा कि ए बी प्लस 1 और ये x माइनस वाई। ठीक है, यहाँ पे जो है ए बी सी है ए बी सी ये हो जाएगा यहाँ पर x प्लस वाई तो a माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी। अब जो है एक दो और ये तीन ये टर्म्स है इसमें से जो है मैं c कॉमन ले लूंगी तो इसमें से c कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा ए बी। ठीक है, ए बी एक्स माइनस वाई ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई ये हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो x माइनस वाई जो है वो बाहर है ये है ए बी प्लस 1 एक्स माइनस वाई और प्लस ए माइनस बी इसको ब्रैकेट में रख देती हूँ
और ये हो जाएगा यहां पर सी को अगर कॉमन ले लिया तो आप देख रहे हैं कि यहां से जो है इसमें से x माइनस वाई भी जो है कॉमन आ रहा है, तो रहेगा ए बी प्लस वन और x माइनस वाई दोनों में से कॉमन आ गया और प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। अब ये पूरा टर्म जो है वो कॉमन आ रहा है कौन सा कि ए बी प्लस वन इंटू एक्स माइनस वाई और प्लस ए माइनस बी, ठीक है, और रिमेनिंग यहां पे बचेगा x प्लस वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये जीरो हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस वन एक्स माइनस वाई ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए बी प्लस वन, तो हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन ए बी प्लस वन। ठीक है, तो देखिए कि जो है किस तरह से जो है ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, बहुत इजी था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बस क्या है कि पहले जो है आपकी कंटिन्यूड फ्रैक्शन को आप सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है, और फिर जो है दो इक्वेशन बनी, दोनों इक्वेशन में से एक में से दूसरी को हमने माइनस कर दिया, ठीक है, एक में से दूसरी को माइनस कर दिया। तो चलिए इसी टाइप का जो है एक और हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करते, उसमें भी हमको क्या करना है कि प्रूव करना है